काफी लोग आते हैं पूछते हैं कि मुझे तलाक लेना है, साथ में जीना मुश्किल हुआ है, या कुछ लोग प्यार में रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं और रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हैं, और उस समय उनको काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि वो कैसे तोड़ना रिलेशनशिप, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लोग काउंसलिंग के लिए आते रहते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई इतने साल हम साथ में रहे मगर अभी एक दूसरे के सामने स्टैंड करना मुश्किल हुआ है, अभी मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। मगर देखिए, जब इतने साल में साथ में रहे, जब आपने एक जगह शेयर की हुई है, फिजिकल रिलेशनशिप आपके है, मानसिक रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप आपके है, और वो इमोशनल मानसिक शारीरिक स्पेस सब आपने शेयर किया हुआ है, और ऐसा जब है तब डिवोर्स करना बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब डिवोर्स करने के बाद में क्या भूल नहीं सकते हैं। और वैसे ही यह है कि जब आप प्यार में हैं, रिलेशनशिप में हैं, शादी हुई नहीं है मगर काफ़ी साल से रिलेशनशिप में हैं, साल दो साल से रिलेशनशिप में हैं, और फिर अभी तोड़ना है रिलेशनशिप, क्यों तोड़ना है, क्यों भूलना है? हो सकता है कि घर के लोग अलाउ नहीं करते हैं, हो सकता है कि रास्ते अलग अलग हैं, हो सकता है कि अभी एक दूसरे के विचार पट्टे नहीं हैं, और हो सकता है कि नहीं, रास्ते ही अलग अलग हैं। मतलब ठीक है, फ्रेंडशिप थी, बहुत डिपेंडेंट हो गए थे एक दूसरे के ऊपर, हो सकता है कि चैटिंग करते थे, घूमते थे, फिरते थे, फिजिकली भी कांटेक्ट आए होंगे, मगर अभी भूलने का है। तो ऐसा भूलना ऐसा संभव नहीं है। होता क्या है कि जितने आप ज़्यादा भूलने की कोशिश करते हो कि नहीं अभी मुझे रिलेशनशिप में रहना नहीं है, मुझे वो लड़के को भूलने का है, या लड़की को भूलने का है, या पत्नी को भूलने का है, अभी डिवोर्स लेना है और पत्नी को भूल जाना है, या पति को भूलना है डिवोर्स लेना है, तो ऐसा आप जितना भूलने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा ज़्यादा मेमोरी वो आती रहती है, क्योंकि आप जो है वो है एक बैग ऑफ मेमोरी, एक बैग ऑफ इमोशंस। वो मेमोरी में इमोशंस भी है, वो मेमोरी में थॉट्स है, और वो ऐसा एकाएक भूल जाना कठिन हो जाता है। वैसा आसान है वैसा देखा जाए तो, क्यों नहीं, ठीक है, एकदम कट कर दिया, कट कर दिया, मगर ऐसा बोलना बहुत आसान है कि नहीं भी तुम भूल जाओ, अभी उसका विचार मत करो, अभी उसके बारे में सोचो मत, अभी कॉन्टैक्ट मत रखो, ये बोलना बहुत आसान है, मगर जब बार 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 विचार आते हैं और जब बार 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 आप भूलने की कोशिश करते हो उतने वो रहता है। इसके बाद तरीका क्या है? मैं एकदम ये बोलता हूँ कि नहीं, भूलना नहीं है। आप रिलेशनशिप में हो, कोई लड़के के साथ में, लड़की के साथ में, या पति पत्नी के रिलेशनशिप होंगे उसमें हो, और आपको अभी तोड़ना है, डिवोर्स लेना है, या रिलेशनशिप ब्रेक करना है, तो आपको एक ही करना है, उसके साथ में रहना सीखो। उसके साथ में मतलब वो विचार उनके साथ में, निकालना नहीं है। जितना बार बार निकालने की कोशिश करेंगे उतना वो ज़्यादा ज़्यादा पक्के होते जाएंगे। जब आप बार बार उसको सोचेंगे कि मैं निकालना चाहिए, निकालना चाहिए, उतना ज़्यादा ज़्यादा बैठेंगे। आपको क्या करना है? आपको उसके साथ में रहना है। ठीक है, वो इमोशंस है, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, अभी मुझे रिलेशनशिप में रहना नहीं है, तकलीफ हो रही है, विचार बार बार आ रहे, ओके, मुझे उसके साथ में रहना है। और अभी ठहराना है कि ठीक है, मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है, मेरा जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, मेरे को मेरे लाइफ के गोल्स क्या है, मेरे पर्पस क्या है, मैंने करना क्या है, मैंने गोल्स कौन से पक्के करने के, और वहाँ यदि मैं फोकस करता हूँ, मुझे जाना कहाँ है वहाँ मैं फोकस करता हूँ, मुझे मतलब कौन से एक्शंस लेना है वहाँ मैं फोकस करता हूँ, मैंने एक बार वो गोल पक्के कर लिए, पर्पस पक्का कर लिया, मुझे आगे आने वाले साल भर में करना क्या उसके ऊपर फोकस करके मुझे रिजल्ट्स कौन से हासिल करने हैं वहाँ मैंने फोकस कर लिया, डेफिनेटली हो जाएगा कि जो अपने दिमाग में है, जहाँ से आपको डिस्टर्ब हो रहा है, जहाँ से आपको दर्द हो रहा है, जो रिलेशनशिप आपको भी तोड़ने की वहाँ दर्द होने वाला है या हो रहा है, वो धीरे 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 गायब होना शुरू, क्योंकि आप उसको जितना रेजिस्ट करोगे उतना वो पक्का पक्का रहेगा। तो रेजिस्ट करने का नहीं है, कोई भी इमोशन को रेजिस्ट करना नहीं, कोई विचारों को निकालने का नहीं है, उसको कोने में बाजू में रखना है, और जाना जहाँ है वहाँ फोकस करना है, जहाँ आपको जाने का है, जो आपने तय कर लिया है, जो रास्ता आपने अपनाया हुआ है, जो आपके गोल्स है, जो आपका पर्पस है। हो सकता है कि आपको फलाना फलाने डिग्री लेने की है, हो सकता है कि आपको वो करियर करने का है, हो सकता है कि आपको ये नया कुछ काम, वहाँ फोकस करने का है। लोग बोलते नहीं, अभी ये लड़की के साथ में मैं रहता हूँ, उसको भी भूलना है, तो अभी मैं नई रिलेशनशिप करूँ क्या? वो लड़के ने मुझे डिच किया या वो लड़के ने मुझे डिच किया, अभी मैं उसका बदला लेके अभी मैं नए रिलेशनशिप में जाऊँ क्या? अभी मैं मेरे पति को या पत्नी को डिवोर्स दे रहा हूँ या दे रही हूँ, अभी मैं क्या नई शादी कर लूँ क्या?
वो क्या होता है, वो चेंजिंग एंड फिक्सिंग हो जाता है। चेंजिंग एंड फिक्सिंग से होता कुछ नहीं, तकलीफ ज़्यादा होती है। तो चेंजिंग एंड फिक्सिंग ना करते हुए भाई मुझे करना क्या है, मेरे सामने जो है उसके ऊपर फोकस करो, उसको निकालने की कोशिश नहीं करना। धीरे 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 आप ये इमोशन को एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने दिमाग को टाइम देना पड़ेगा इसको भूलने के लिए। आप जितना टाइम देंगे आराम से करेंगे, उसके साथ में जिएंगे, आराम से जीते जीते वो कब गायब हो जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि गायब होंगे भी नहीं, हो सकता है कि वो याद आते जाएंगे, मगर उसका प्रभाव आपके ऊपर इतना होगा नहीं। तो रिलेशनशिप में ब्रेक करना है, डिवोर्स लेने का है, कुछ भी ऐसे इमोशनल डिसीजन आपको लेने के हैं, उस समय एक ही देखना है कि आराम से करो, शांति से करो, निकालने की कोशिश मत करो। जितना ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। और अपना रास्ता क्या है वो तय करो और वहाँ फोकस करो। अभी के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो मिशन है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य रूप से मुक्त भारत। ये वीडियो काफ़ी लोगों का शेयर करो, ताकि वो जो कन्फ्यूज लोग हैं, जिनके दिमाग में हलचल मची हुई है, रिलेशनशिप में लोग तोड़ना चाहते हैं मगर टूटे नहीं है, उनको जरूर काम में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।